हेलो गाइस, गोपाल दिस साइड, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए ऑन ऑफ द हैपनिंग लोकेशन, दैट इज द बालेवाड़ी लोकेशन। और बालेवाड़ी लोकेशन से आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आयो जिसमें आपको 4.5 BHK एंड 3 BHK के स्पेशियस लेआउट वाले फ्लैट इसमें देखने को मिल जाते हैं। आप मेरे बैक साइड में रोड देख सकते हैं, रोड कनेक्टेड ही आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। आप मेरे लेफ्ट से चले जाएंगे बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट की तरफ, जो कि आपको यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे मिलने वाला है। एंड अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से सिर्फ आपको 2 मिनट की डिस्टेंस पे मिलने वाला है, जो कि आपको बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट का मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिल जाता है। एंड मेरे राइट से आप चले जाएंगे जुपिटर हॉस्पिटल अवंत एंड बानर की तरफ, जो कि आपको यहाँ से सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट की डिस्टेंस पे आपको मिलने वाला है। आइए इस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में जान लेते हो, सैंपल फ्लैट का भी आज हम टूर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो 2 एकर्स के लैंड पार्सल में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 हाई राइज टावर देखने को मिल जाते हैं। दोनों भी टावर इसमें आपको 26 स्टोरी के रहने वाले हैं। एंड बात करें एमिनिटीज की, तो एमिनिटीज में आपको लैविश एंड मॉडर्न एमिनिटीज देखने को मिल जाती है। हर एक फ्लोर में से आपको 4 फ्लैट्स और 3 लिफ्ट्स इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड साथ में आपको 4.5 BHK और 3 BHK दो ही कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें 4.5 BHK के स्क्वेयर फीट एरिया की, तो इसमें आपको 1585 स्क्वेयर फीट का 4.5 BHK देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी प्राइस आपको 2.25 CR ऑल इंक्लूसिव देखने को मिल जाती है। एंड 3 BHK में आपको 1226 स्क्वेयर फीट का रहने वाला है। एंड इसकी प्राइस आपको 1.76 CR ऑल इंक्लूसिव देखने को मिल जाती है। आइए शो फ्लैट का आज हम टूर करने वाले हैं, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 1585। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 4.5 BHK 1585 स्क्वायर फीट की शो फ्लैट का आज हम टूर करने वाले हैं। तो एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं 1 टच का डिजिटल डोर कोन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी प्राइवेसी के लिए। साथ में आपको डिजिटल डोर लॉक सिस्टम इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है 1 कंपनी का, जिसको आप 4 टाइप से ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे हम एंट्रेंस लेते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं रबर की पैटिंग इसमें आपको करके दी जाती है, जो कि आपको डोर की नॉइस को कम कर देता है। साथ में आपको कर्व डिजाइन के डोर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो काफी अच्छे डोर्स आपको क्वालिटी के मिलने वाले हैं। आपकी रहने वाली स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी, इस तरफ आप अपना शो रैक का अरेंजमेंट कर सकते हैं। साथ में आप अपना आर्टिफैक्ट भी इसमें आपको डिजाइन कर सकते हैं, तो काफी ग्रैंड आप अपने एंट्रेंस लॉबी को बना सकते हैं। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, फर्स्ट बेडरूम आपको मेरे बैक साइड में मिलने वाला है। रिमेनिंग 3 बेडरूम्स आपको मेरे राइट साइड में मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करने वाले बेडरूम नंबर फर्स्ट को, जो कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। आइए इस तरफ आप देख सकते हैं, काफी स्पेशियस एंड ह्यूज आपको ये बेडरूम रहने वाला है। इसको आप एज अ पेरेंट्स रूम या फिर आप इसको एज अ किड्स बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम की तरह आप इसको प्लान कर सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको बेडरूम रहने वाला है। सेंटर में आप अपना बेड इस तरह लगा सकते हैं, सामने की तरफ आप अपनी टेलीविजन भी इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है। साथ में आपको सनलाइट एयर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, ऊपर की मूवेबल विंडो और नीचे की फिक्स विंडो रहने वाली है, जिसको आपको सनलाइट एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बना रहेगा आपके होम के अंदर। एंड इसको अटैची एक वॉशरूम मिलने वाला है, इस तरफ आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है। नीचे की आपको एंटीज की टाइल्स मिलने वाली है, टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, काफी अच्छी टाइल्स कॉम्बिनेशन इसमें आपको करके दिया जाता है। साथ में आपको बेथिंग स्पेस, कमोड स्पेस, मार्बल टॉप के ऊपर एक सिंक इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है विद ब्रांडेड सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर्स के साथ में, जो कि आपको ग्रोहे एंड अमेरिकन स्टैंड के रहने वाले, विच इज द वेरी लग्जरियस। भैया हम बढ़ते हैं आगे, तो इस तरफ आप देख सकते हैं, जैसे विंडोज लेने के बाद रेवेन्यू फर्स्ट बेडरूम आपको मेरे लेफ्ट में देख लिया, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको रहने वाला है लिविंग रूम, जो कि आप फैमिली रूम की तरह आप इसका प्लान कर सकते हैं, तो काफी स्पेशियस लिविंग रूम आपको इसमें देखने को मिल जाता है, विच इज वेरी स्पेशियस। इस तरफ आप अपना सोफा का अरेंजमेंट कर सकते हैं, चाहे आप सी शेप में लगाना चाहते हो या फिर 8 सीटर 10 सीटर आप अपना सोफा का अरेंजमेंट इसमें कर सकते हैं। सेंट्रल में आप अपना टेबल भी इसमें लगा सकते हैं। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको टेलीविजन के लिए स्विचेस मिल जाएंगे, तो आप अपना बड़ा सा टेलीविजन इसमें लगा सकते हैं एंटरटेनमेंट गेमिंग जोन के लिए, तो काफी अच्छा लिविंग रूम आपको इसमें रहने वाला है। साथ में इसके अटैच ही आपको एक बालकनी मिलने वाली है, विच इज वेरी स्पेशियस। उसमें अगर आप देखें तो स्लाइडिंग डोर्स के साथ में आपको एक बालकनी मिलने वाली है, ऊपर से कवर टफन ग्लास की रेलिंग मिलने वाली है।
साथ में आपको वुडन फ्लोरिंग भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसकी अगर साइज आपको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा तो आप इसको अच्छे से भी मेजर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा आप लिविंग रूम एंड इसको अटैच बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। 4.5 BHK रिमेनिंग 3 बेडरूम आपको मेरे राइट में मिलने वाले थे एंड 0.5 BHK आपको एक तरफ मिलने वाला है मेरे राइट में। इसको आप एज अ पूजा स्पेस स्टडी जोन वर्क फ्रॉम हिसाब से वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। चाहे आप इसमें स्मॉल बेडरूम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें आप बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ही आपको 0.5 BHK देखने को मिल जाता है अल्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आइए इस तरफ आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपको ओपन किचन कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका रहने वाला है एल शेप का स्पेशियस किचन। आप इसमें देख सकते हैं आपको एक सिंक मिलने वाला है ग्रोहे के टाइप के साथ में। इस तरफ आपको मिलने वाला है एक स्विचेस मिल जाते हैं मिक्सर ग्राइंडर के लिए एंड इस तरफ आपको स्विच मिल जाते हैं अपने डबल डोर रेफ्रिजरेटर आप इसमें लगा सकते हैं। इन यूटिलिटी एरिया भी इसको आपको इंक्लोज मिलने वाला है। अगर आप चाहे इसमें वॉल लगाना चाहते हैं तो आप अपनी एक हाफ वॉल भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो यूटिलिटी एरिया आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यूटिलिटी एरिया आपको मिलने वाला है। 2 स्विचेस इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डिश वॉशर के लिए वॉशिंग मशीन के लिए स्विचेस इसमें आपको मिलने वाले हैं ग्रोहे के साथ में। सनलाइट वेयर वेंटिलेशन के लिए इसमें आपको विंडो मिल जाती है। तो काफी अच्छा आपको किचन एंड यूटिलिटी एरिया इसमें आपको रहने वाला है विच इज वेरी स्पेशियस। यूटिलिटी एरिया के बाद हम चलते हैं डाइनिंग सेक्शन की तरफ जो कि आपको किचन के जस्ट ऑपोजिट में मिलने वाला है। इस तरफ आप चाहे इसको 6 सीटर 10 सीटर 8 सीटर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हो। आप अपना डाइनिंग सेक्शन अच्छी तरह से इसको आप डिज़ाइन या फिर डेकोरेट कर सकते हैं। साथ में इस तरफ आपको मिलने वाला है बेडरूम नंबर 2। इस तरफ आइए आप देख सकते हैं तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको इसमें मिलने वाला है। इस तरफ आप देखें तो अपना बेड इसमें आप लगा सकते हैं सामने की तरफ आप अपने टेलीविजन लगा सकते हैं। इस तरफ भी आप अपना ऑर्डर इसमें आप बना सकते हैं। इसकी साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सनलाइट एयर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है नीचे की फिक्स ऊपर की मूवेबल विंडो आपको मिलने वाली जिसका आपको सनलाइट एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा इसमें बना रहता है। एंड इस तरफ आप अपना कोकरी का सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कोकरी भी इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में भी आपको मिलने वाला है एक सिंक ग्रोहे के टाइप के साथ में जबकि आप डिनर ब्रेकफास्ट या फिर लंच करके आते हैं तो आप डायरेक्टली इसमें आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा इससे सिंक मिल जाता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं आपको बेडरूम नंबर 3 मिलने वाला है विच इज़ द वेरी स्पेशियस। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ही बेडरूम रहने वाला है। आपके सेंटर में आप अपना बेड लगा सकते हैं सामने की तरफ भी आप अपना टेलीविजन इसमें लगा सकते हैं। तो बेड सेटअप करने के बाद भी काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा लेआउट वाला एक फ्लैट आपको देखने को मिल जाता है। सनलाइट एयर वेंटिलेशन भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा बना रहेगा जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फुल साइज की विंडो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है नीचे की फिक्स एंड ऊपर की मूवेबल रहेगी आपकी सेफ्टी के लिए जिसका आपको सनलाइट एयर वेंटिलेशन इसमें आपको काफ़ी अच्छा बना रहता है। इस तरफ आप अपना वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस मिल जाता है तो आप अपना वार्डरोब अलग से इसमें लगा सकते हैं। वार्डरोब स्पेस लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस आपको मूवमेंट के लिए इस पर मिल जाता है। एंड इसके जस्ट अटैच ही आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है। इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है। नीचे की आपको एंटीस की टाइल्स मिलने वाली है साथ में आपका रहने वाला है बेथिंग स्पेस कमर स्पेस। इस तरफ आपको एक सिंक मिल जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड का एंड ग्रोए की सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर के साथ में। तो काफ़ी अच्छे वॉशरूम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे लग्जरियस एंड प्रीमियम प्रॉपर्टीज आप इस चैनल पर जरूर देखते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में भी और मैं ऐसे ही प्रॉपर्टीज इस चैनल पर अपलोड करते रहूंगा। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं आपको कॉमन वॉशरूम रहने वाला है विच इज वेरी स्पेशियस एंड काफी अच्छा वॉशरूम रहने वाला है। टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं एंड उसके साथ आपका बेथिंग स्पेस कमोड स्पेस इसमें आपको मिलने वाला है। तो कॉमन वॉशरूम भी इसमें आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। आइए हम बढ़ते हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फ्लैट इज मास्टर बेडरूम। ये रहने वाला है आपका ह्यूज एंड स्पेशियस मास्टर बेडरूम। काफी आप देख सकते हैं काफी अच्छा बेडरूम रहने वाला है। सेंटर में आप अपना बेड इसमें लगा सकते हैं एंड उसके साथ में आपको टेलीविजन के लिए भी इसमें स्विच मिल जाते हैं एंड एम्पल स्पेस मिल जाता है बेडरूम में मूवमेंट के लिए। साथ में इसको अटैच ही एक बालकनी इस तरह आपको मिल जाती है। साथ में आपको इस तरफ मिल जाती है स्लाइडिंग डोर्स मस्किटो मॉच भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अच्छी बालकनी रहने वाली टफन ग्लास की रेलिंग के साथ में ऊपर से कवर आपको मिलने वाली नीचे की आपको वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको मिलने वाली जो कि आप अपने आराम से
दो टेबल इसमें लगा सकते हैं, नीचे की सेंट्रल टेबल इसमें लगा सकते हैं, चेयर्स भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलने वाला है। इस तरफ आप अपना प्रॉपरली इस तरह से आप अपना वार्डरोब इसमें लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस मिल जाता है, एम्पल स्पेस इसमें आपको रहने वाला है, बेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। साथ में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इसमें आपको विंडो मिल जाती है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, नीचे की फिक्स रहेगी आपकी प्राइवेसी के लिए, सेफ्टी के लिए, ऊपर की रहने वाली मूवेबल जो कि सनलाइट एयर वेंटिलेशन इसमें आपको काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो काफ़ी अच्छा आपको ये बेडरूम देखने को मिल जाता है। साथ में इसको अटैच एक वॉशरूम मिलने वाला है, जिसे हम एंट्रेंस लेते हैं तो आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, एंट्रेंस लेने के बाद राइट में आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है जो कि आपको मास्टर वॉशरूम रहने वाला है। टाइल्स कॉम्बिनेशन एज इट इज रहने वाला है, नीचे की आपको एंट्रेंस की टाइल्स, ड्राई एरिया वेट एरिया सेपरेटली करके दिया जाता है, आपका बेथिंग स्पेस कमोड स्पेस इस तरह आपको सीट मिल जाता है मार्बल टॉप के ऊपर, तो काफी अच्छा ये वॉशरूम आपको रहने वाला है। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अगर आप इस प्रोजेक्ट में देखें तो आपको 4.5 BHK और 3 BHK दो ही कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। 4.5 BHK जिसका कार्पेट साइज रहने वाला है 1585 एंड प्राइसिंग 2.25 CR ऑल इंक्लूसिव इसमें आपको देखने को मिल जाती है। 3 BHK 1223 स्क्वायर फीट के देखने को मिल जाते हैं, अगर इसकी प्राइस देखो तो आपको 1.76 CR ऑल इंक्लूसिव देखने को मिल जाती है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो सेंट्रल बालेवाड़ी में इस प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसके नियर बाय में आपको काफ़ी अच्छे IT हब्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट या फिर अमर टेक पार्क हो, तो सारी के सारे IT हब इसके नियर बाय में रहने वाले हैं। साथ में आपको स्कूल एंड कॉलेजेस के ढेरों ऑप्शंस इसके नियर बाय में आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको रिटेल स्पेस भी हॉस्पिटल भी, तो देखिए तो आपको बालेवाड़ी बीच इज़ द वेरी प्रीमियम लोकेशन है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, आपको सारी के सारे फीचर्स और सारी के सारे फैसिलिटीज इस लोकेशन में आपको रहने वाले हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में इस प्रोजेक्ट की ब्रोशर एंड कॉस्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ब्रोशर एंड कॉस्ट शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, आप सभी से मुलाकात होगी। गोपाल चौधरी साइनिंग ऑफ।